कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो आज के दिन में नीचे से बॉटम से जो रिकवरी आई है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए ये चीज मैं आपके साथ लॉजिक पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से क्यों बाइंग आएगा। ये देखिए आज फिर से बता दे रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस जब इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं तो ये जो ब्रेक डाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। मार्केट यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर चुका है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी कर चुका है डेली चार्ट में, लेकिन पैटर्न तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो मोमेंटम है इसमें हम 20 EMA को ध्यान में रखते हैं, तो मोमेंटम ये कह रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में, ना कि करेक्टिव फेज में, पूरा डाउन ट्रेंड वाला इस टाइप का फेज में नहीं है। और यही चीज मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो का, आप ध्यान से समझिए कि मैंने यही चीज बताया था कि देखिए मार्केट में यहाँ से देखिए यहाँ से सेलिंग तो आ रही है, हम सेलिंग में भी हैं, ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिंग सेलिंग वाला नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग के बाद नीचे से बाइंग भी आएगी। ये चीज भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आपको बाइंग के ट्रेड भी मिलेंगे, सेलिंग के भी ट्रेड मिलेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के ट्रेड करें या फिर अवॉइड भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि जब दोनों तरफ का कंफ्यूजन है तो अवॉइड करने में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, फिर भी देखिए ये जो सपोर्ट है जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और देखिए सपोर्ट कितना खूबसूरती से फॉलो कर रहा है, मोमेंटम मार्केट में नहीं है लेकिन जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है ये पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, और ये नीचे ब्रेकडाउन नहीं होने के पीछे जो मेन लॉजिक है यही है कि देखिए मार्केट जब ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर ब्रेकआउट दे रहा है, इस चीज को समझिए, अगर कोई पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो जो मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है वो काफी अच्छी तरह से होना जरूरी है। अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं होता है तो 90% सिनेरियो में ऐसा होता है कि ये जो ट्रेड है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सिनेरियो है इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ बार बार इसीलिए ये चीज डिस्कस करता हूँ कि इसको समझिए। अब देखिए अगर वापस यहाँ से ब्रेकडाउन देता है कोई कंफर्मेशन आता है तो उस पर हम कोई भी ट्रेड वगैरह करना होगा तो करेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे आता है, नीचे सपोर्ट लेता है स्ट्रोंग सपोर्ट से फिर वापस आ जाता है, तो इसको आपको समझना जरूरी है कि मार्केट एक रेंज बाउंड है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इतना इजीली नहीं तोड़ सकता, इसके लिए आपका मूविंग एवरेज का पूरा सपोर्ट चाहिए। अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये प्राइस यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहने के चांसेस हैं। जैसे ही देखिए इंट्राडे वगैरह में छोटे मोटे ट्रेड किया जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग ही नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेन चीज है आपको मार्केट के मेन चीज को समझना है कि मार्केट जब है एक रेंज बाउंड मार्केट है तो इसमें अगर आप ऑप्शंस की अगर बाइंग करेंगे तो आपको उतना जबरदस्त प्रॉफिट नहीं होगा। देख रहे हैं नीचे से कितना शार्क आपका, एक चीज अगर आप समझेंगे कि देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मार्केट जब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बैंक निफ्टी में, ये चीज तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में सब चीजें डिस्कस नहीं की जाती है, आपको हर एक लेवल पे, जबकि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि देखिए जो मार्केट है ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए रेडी हो रहा है, जब इस जोन इधर ही चल रहा था, यहाँ से डबल टॉप पे भी हमने सेलिंग पकड़ा था आवर्ली चार्ट में, उसके बाद फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का भी डिस्कशन किया था। अब देखिए हेड एंड शोल्डर का टारगेट नीचे की तरफ है, लेकिन ये भी डिस्कस किया कि देखिए ये सब सपोर्ट एरिया है और यहाँ से बाउंसेस आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज काफी दूर है, तो इसको अगर जब तक नजदीक आता है तब तक या फिर आप यहाँ पे इस टाइप से सेटअप में आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों को ट्रेड मिलेंगे, इसलिए आपको इंट्राडे में इस चीज को समझना होगा कि आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, बाइंग सेलिंग दोनों को ट्रेड मिलते हैं और दोनों टाइप के ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि देखिए मार्केट रेंज बाउंड है तो आपको बड़ा मूवमेंट होता नहीं है, तो आप अगर क्वांटिटी को कंट्रोल रखेंगे तो उसमें आपको बड़ा रिस्क नहीं होता है। ठीक है, यही चीज अगर मैं आपको इंट्राडे चार्ट में एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ कि देखिए क्या होता है इसमें, अगर आप इंट्राडे में अगर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप निफ्टी देखिए, निफ्टी में ये क्या हुआ कि हमारा पोजिशनल व्यू ये है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा बेरिश है, तो देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आप देखेंगे डेली आवरली आवरली चार्ट में भी कि यहाँ पे कुछ रिवर्सल के सिग्नल आने लगे, यहाँ पे देखिए 5 मिनट के चार्ट में भी ऊपर आया फिर ऊपर आया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से हमारा फ्रेश एंट्री बनता है, अगर आपने यहाँ से नहीं एंट्री किया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमारा फ्रेश एंट्री बनता है, उसके बाद देखिए इसको ये ट्रेल करते करते ट्रेल करते करते ये जैकपॉट मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल गया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लास्ट में हिट हुआ, तो ये पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ। ठीक है, तो ये चीज अगर आप सही से करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक्स में हो इंडेक्स में हो ये चीज को समझना जरूरी है। आज के दिन में जो बाइंग आई है ना, ये बाइंग को समझना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की बाइंग मार्केट में आती है, आपको कंफ्यूज कर देगा मार्केट, ये बाइंग क्यों हुआ जबकि मार्केट सेलिंग में था, लेकिन बाइंग इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रेस जब होता है मूविंग एवरेज
तो ऐसा होता है, और ऐसा आप देखिएगा, लाइव में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए इसको आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है।